बच्चों हमें ऑडिबल, ठीक है ना। सिमिलरली सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरी यूज करके, सिमिलरली सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरी यूज करके हमें क्या मिला था कि ऊपर ऊपर है ना, ये अगर पार्ट वाई है मिरर का, रिमेनिंग पार्ट अगर ना मिरर के ऊपर वाला पार्ट वाई है, तो मिरर बस उसका 1/4 कवर कर रहा है, वाई वाई बाय 4, ठीक है ना। यही था। तो ये पूरा जब मिला देंगे टोटल कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 3, है ना। टोटल इज 5x/4 प्लस 5y/4 व्हिच इज इक्वल टू 3 मीटर्स, एंड x/4 प्लस y/4 इज इक्वल टू h, ठीक है ना। तो x/4 प्लस y/4 क्या होगा, टोटल का 1/5 होगा, 0.6 मीटर्स, है ना। मैंने क्या लिया कि मिरर का नीचे वाला पार्ट, मान लो मैंने क्या लिया बेसिकली कि मान लो मिरर का जो नीचे वाला पार्ट है, मान लो मिरर का नीचे वाला पार्ट एक्स है और ऊपर वाला पार्ट वाई है ना। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल थ्योरी और रिफ्लेक्शन का थ्योरी यूज करके हम ये देख सकते हैं कि मिरर जो है ना, एक्स का 1/4 कवर कर रहा है और वाई का भी 1/4 कवर कर रहा है यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल थ्योरी। तो मिरर का टोटल लेंथ कितना और x/4 प्लस y/4, है ना। लेकिन टोटल वॉल हाइट जो 3 मीटर है, दैट इज इक्वल टू 5x/4 प्लस 5y/4। आया समझ में? तो मतलब मिरर जो है पूरा वॉल का हाइट का 1/5 है। मतलब अगर वॉल का हाइट है ना 3 है, तो मिरर का हाइट हो जाएगा है ना 1/5 ऑफ 3, उसको मतलब है ना। मिरर का कितना लेंथ चाहिए, दैट इज 0.6 मीटर चाहिए। क्लियर सबको? सबको समझ में आया ना बच्चों? अब बच्चों ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया ना, अगले क्वेश्चन में चले। आज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है। हाँ ये भी बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है ना, देयर इज अ रे ऑफ लाइट है ना व्हिच स्ट्राइक्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, एट व्हाट एंगल शुड अ सेकंड प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इन ऑर्डर दैट द रिफ्लेक्टेड रे माइट बी रिफ्लेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेकंड मिरर। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। है ना, अच्छा क्वेश्चन। जैसे रे ऑफ लाइट है ना व्हिच स्ट्राइक्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, एट व्हाट एंगल शुड अ सेकंड प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इन ऑर्डर दैट द रिफ्लेक्टेड रे फाइनली बी रिफ्लेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेकंड मिरर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैं डायग्राम बना रहा हूं इसके लिए, है ना, तुम्हारे लिए। तब तक तुम लोग सोचो, तुम लोग सोचो, पूरा ध्यान से सोचना बच्चों, है ना। तुमको टाइम दे रहा हूं मैं, जो टाइम मैं डायग्राम बनाऊंगा वो तुम्हारा सोचने वाला टाइम होगा। डायग्राम ओवर, देन आई स्टार्ट सॉल्विंग। मतलब एंगल शुड अ सेकंड प्लेन मिरर बी प्लेस, मतलब सेकंड मिरर मिरर का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होना चाहिए, बेसिकली ना इसका ये मतलब है, सेकंड मिरर का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होना चाहिए।
समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन सबको? इसका तो पहले 45 डिग्री एंगल लगता, हॉरिजॉन्टल के साथ है ना? ठीक है, ये मैं नॉर्मल ले रहा हूं ऐसे। इज द नॉर्मल फॉर मी, ठीक है ना? सेकेंड प्लेन मिरर जो है वो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है अगर देखा जाए यहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? इसके दो तरीके हैं बनाने के, ठीक है ना? बहुत, इनफैक्ट बहुत सारे तरीके हैं। ये मान लो मिरर M1, ये मिरर M2 है, ठीक है? अब देखो ये पहला वाला जो रे है, पहला मतलब फर्स्ट मिरर को कितने एंगल में हिट किया, कितने एंगल में आके हिट कर रहा है? एट एन एंगल 45 डिग्रीज, एट एन एंगल 45 डिग्रीज, कितने एंगल में हिट कर रहा है? एट एन एंगल 45 डिग्रीज, ठीक है ना? तो अगर ये एट एन एंगल 48 डिग्रीज आके हिट कर रहा है इसको, ठीक है ना? एट एन एंगल 48 डिग्री हिट कर रहा है इसको, ठीक है ना? ऐसे इसके एक्चुअली ना दो आंसर हैं, इसके दो आंसर हैं, बताऊंगा कैसे दो आंसर है ना। तो ये अगर एट एन एंगल 48 डिग्री हिट कर रहा है तो ये भी जाएगा एट एन एंगल 48 डिग्री, ऐसे जाएगा एट एन एंगल 48 डिग्री, ठीक है ना? अब देखो मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? थीटा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा यहाँ पे, और फाइनल रे जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, समझ में है ना? ठीक है, मतलब फाइनल रे हॉरिजॉन्टली जा रहा है, मतलब अगेन है ना, इट इज बेसिकली है ना, बेसिकली पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, इट इज बेसिकली पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, ठीक है ना? तो फिर ये एंगल कितना होना चाहिए? ये एंगल 48 डिग्रीज है। तो अगर दो पैरेलल लाइंस हम देखें, अगर हम दो पैरेलल लाइंस देखें, उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव
अपोजिट एंगल्स है दो पैरेलल लाइन के बीच में, है ना। टोटल सबका दोनों का सम कुल मिला के कितना होना चाहिए, दोनों का सम कुल मिला के कितना होना चाहिए, मान लो मैं बोलूंगा कि ना 45 डिग्री प्लस 2 थीटा, ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो 2 थीटा कितना होना चाहिए 135 डिग्री, थीटा कितना होना चाहिए 67.5 डिग्री। ये थीटा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, लेकिन प्लेन मिरर का मिरर 2 का एंगल कितना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ, ये अल्फा है, थीटा प्लस अल्फा, है ना, अल्फा है ना। तो अल्फा कितना होना चाहिए बेसिकली, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली 90, इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस थीटा। तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 67.5 डिग्रीज, अल्फा इज इक्वल टू 22.5 डिग्रीज। तो ये होना चाहिए अल्फा का वैल्यू, है कि नहीं बच्चों, इज दैट क्लियर। So the angle है ना made by mirror M2, made by mirror M2 है ना with M1, with M1 sorry or with horizontal कितना होना चाहिए is 22.5 degrees, है कि नहीं, समझ में आया बच्चों। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो देखो ना इसका दूसरा तरीका क्या है, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका है दूसरा तरीका जो है, ठीक है। बेसिकली दूसरा तरीका ये बोलता है कि मान लो एक मिरर है, मान लो एक मिरर कंसीडर करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर ए मिरर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मिरर है ना। तो ये जो मिरर है मान लो इसके साथ है ना कोई मतलब इंसिडेंट रे है ना, जो कि इसके वो मतलब 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट है, जैसे इंसिडेंट रे है ना विच इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री विद द मिरर, ठीक है ना। तो एक इंसिडेंट रे है जिसका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना? तो 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए 60 डिग्री एंगल पे, तो
पहले मान लो 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो 60 डिग्री में जाना चाहिए ना बच्चों, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जाना चाहिए ना 60 डिग्री आइडेंटिकली। समझ में आया ना बच्चों? तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी तो बेसिकली ना 60 डिग्री में जाना ही चाहिए, ठीक है ना। अरे रुको बेटा, मैं ना कंक्लूजन बता रहा हूं तुमको, ठीक है ना। तो मान लो मिरर को मैंने रोटेट कर लिया बाय 20 डिग्रीज, मान लो अभी ये मिरर जो है इसको मैंने रोटेट कर लिया बाय 20 डिग्रीज, मतलब रोटेशन ऑफ मिरर जो है, अब मैं इसका ना मिरर का रोटेशन ले रहा हूँ, न्यू पोजीशन ऑफ मिरर, तो मिरर का रोटेशन कितना हुआ 20 डिग्रीज हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये जो मिरर है इसका, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कितना रोटेट हुआ, ये मिरर जो है ये रोटेट हुआ बाय 20 डिग्रीज, ठीक है ना। तो पहला वाला था मिरर M1, दूसरा वाला हो गया M1 डैश, मतलब मिरर 20 डिग्रीज रोटेट करेगा बच्चों। समझ में आया? अच्छा, मिरर 20 डिग्रीज रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी तो 20 डिग्रीज रोटेट करेगा ना। तो मान लो ये पहले वाला नॉर्मल है N, तो बाद में जो नॉर्मल है वो भी तो 20 डिग्रीज रोटेट करेगा ना, है कि नहीं? अरे बोलो, नहीं बोलोगे? जब मिरर को रोटेट करें 20 डिग्रीज, क्या नॉर्मल भी रोटेट करेगा 20 डिग्रीज? नहीं बोलोगे? ठीक है ना। अब नॉर्मल कितना रोटेट किया, अब नॉर्मल कितना रोटेट किया 20 डिग्रीज, नॉर्मल कितना रोटेट किया अभी? नहीं बोलेगा कोई? नॉर्मल रोटेट्स बाय 20 डिग्रीज, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल रोटेट करेगा कितना, 20 डिग्री से रोटेट करेगा। अच्छा, नॉर्मल अगर 20 डिग्री से रोटेट कर रहा है पुराने नॉर्मल के साथ, नया नॉर्मल जो है 20 डिग्री एंगल बना रहा है, एन डैश, दिस इज न्यू नॉर्मल, तो जो इंसिडेंट रे के साथ अभी कितना एंगल हो गया, नया नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल हो गया? ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। इंसिडेंट रे के साथ नया नॉर्मल का एंगल कितना हो गया, 40 डिग्रीज। इंसिडेंट रे के साथ नया नॉर्मल का एंगल कितना हो गया, 40 डिग्रीज। तो फिर ना नया नॉर्मल के अकॉर्डिंग, मिरर का नए पोजीशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे का एंगल, न्यू इंसिडेंट एंगल कितना होगा, हो रहा है 40 डिग्रीज। तो न्यू रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, तो न्यू रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, न्यू रिफ्लेक्टेड एंगल भी होना चाहिए ना 40 डिग्रीज, है ना। मिरर 20 डिग्री रोटेट किया तो नॉर्मल भी 20 डिग्री रोटेट किया। अब नॉर्मल 20 डिग्री रोटेट किया, अब नॉर्मल 20 डिग्री रोटेट किया, है ना, तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस बना 40 डिग्रीज, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस बना 40 डिग्रीज, है ना। तो ये मान लो इंसिडेंट रे है आई, ये रिफ्लेक्टेड रे है इनिशियल, ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे आर डैश, तो है ना, अभी ना नया जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, 40 डिग्रीज हो रहा है, मतलब यहां से यहां तक कितना एंगल हुआ, 40 डिग्रीज हो गया ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, तो ये अगर 40 डिग्रीज है ना, ध्यान से सुनो सब लोग, अगर ये हमारा यहां से यहां तक 40 डिग्रीज है और ये 20 डिग्रीज है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 डिग्रीज। अगर ये 20 डिग्रीज है, यहां से यहां तक 60 डिग्रीज है, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्रीज। तो फिर ना रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर गया, 40 डिग्रीज। समझ में आया बच्चों?
मिरर रोटेट्स बाय 20 डिग्रीज कीपिंग द इंसिडेंट रे कॉन्स्टेंट, है ना, ठीक है ना, मिरर रोटेट्स बाय 20 डिग्रीज, है ना, मिरर रोटेट्स बाय 20 डिग्रीज, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 40 डिग्रीज इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज इफ मिरर, अगर मान लो मिरर रोटेट्स बाय थीटा, देन तब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रोटेट्स बाय टू थीटा इन द सेम डायरेक्शन, ऑफ कोर्स कीपिंग इंसिडेंट रे कॉन्स्टेंट, इंसिडेंट रे के साथ कोई छेड़खानी हम नहीं कर रहे हैं, है ना, वी आर नॉट टैम्परिंग विद द इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये कंडीशन है। मिरर के थीटा रोटेट करने से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगा, टू थीटा रोटेट करेगा। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन ये है प्रोवाइडेड दैट इंसिडेंट रे इज केप्ट कांस्टेंट, इंसिडेंट रे के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इज दैट क्लियर। बच्चों ये क्लियर है ना, ठीक है ना, ये एक बढ़िया विजुअलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ वेरी गुड विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बच्चों। चलो मैं कम से कम तुम्हारे लिए ना एक बढ़िया काम कर लेता हूँ पहले, ठीक है, इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दूसरे पेज में चलते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, ये तो हो गया, फिर इरेजर उठाओ, है ना, इस सब को इरेज करो, ठीक है ना। तो मान लो ये तो क्वेश्चन था ना, अभी मुझे क्या चाहिए बेसिकली कि फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, मैं अगर ऐसे सोचूं कि मान लो मेरा जो मिरर है पहले, मेरा जो मिरर है, ठीक है ना, वो पहले से ही, ठीक है ना, अब एक काम करता हूं मैं, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये बाद में मेरे काम में आएगा फिर से, क्योंकि ये बाद में मेरे काम में आएगा फिर से, तो इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूं, आई मस्ट कॉपी दिस टू क्लिपबोर्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो मान लो मेरा जो पहला वाला मिरर है, मतलब पहला जो मेरा, मतलब जो सेकंड मिरर है, लेट से इसका ओरिएंटेशन क्या है, लेट से इसका ओरिएंटेशन पहले से ही हॉरिजॉन्टल है, पहले से हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन से होगा क्या, कुछ नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे जो आ रहा था वो अभी रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, अभी वो फिर से रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करेगा, कितने एंगल में रिफ्लेक्ट करेगा, एट व्हाट एंगल, 45 डिग्रीज, समझ में आ रहा है बच्चों,
मान लो मैंने क्वेश्चन को अभी ऐसे सोचा, अगर मैं ये सोचूं है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मान लो मेरा जो पहला वाला मतलब जो दूसरा मिरर है वो पहले से ही हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल के हिसाब से दूसरा मिरर जो है वो हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल के हिसाब से सी दिस मेथड है ना, ये मेरा मेथड नहीं है, दिस मेथड है ना इज वन ऑफ माय प्रीवियस स्टूडेंट मेथड है ना, हु इज करंटली स्टडिंग इन एनआईटी राउरकेला इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये उसका मेथड है, तो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा लगा था ये मेथड जब उसने है ना मुझे ये समझाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ठीक है ना, तो आई मेक श्योर कि मैं ये चीज बोल दूं तुम लोगों को है ना। वैसे मैंने ना वो टू थीटा वाला कॉन्सेप्ट तुमको पहले बताया नहीं था, लेकिन उसको वो है ना टू थीटा वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो क्या किया कि वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, बढ़िया से यूज किया, ठीक है ना। तो इट इज लाइक है ना, अगर मिरर मान लो पहले से हॉरिजॉन्टल है, इफ द मिरर इज इनिशियली हॉरिजॉन्टल, अगर मिरर इनिशियली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, मतलब एम टू एम वन को, तो जो मतलब 45 डिग्री एंगल में आ रहा है वो 45 डिग्री एंगल में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस रिफ्लेक्टेड रे का है ना जो इंसिडेंट रे बन रहा है अभी मिरर M2 के ऊपर, मिरर M2 के ऊपर जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो उसका इंसिडेंट एंगल कितना होगा, 45 डिग्री इंसिडेंट रे एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, तो उसका रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा अगेन 48 डिग्री, तो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल के साथ उसका कितना एंगल बन रहा है फाइनली 48 डिग्री। यहां तक समझ में आया, मान लो मिरर M2 पहले से ही हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, तो जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, दिस फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो है, ये जो हमारा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, है ना, दिस मेक्स एन एंगल, समझ में आ रहा ना बच्चों, इज दिस क्लियर डियर स्टूडेंट्स, बच्चों ये समझ में आ रहा ना यहां तक, यस सर, हाँ, तो लेकिन हमें चाहिए क्या, व्हाट वी रिक्वायर, वी वांट दैट दिस मतलब दिस रिफ्लेक्टेड रे है ना हैज टू बी हॉरिजॉन्टल, तो अगर इस रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल होना है तो इसको कितना रोटेट करना है 48 डिग्रीज, तो इसको अगर 48 डिग्रीज रोटेट करना है ना, तो फिर मिरर को कितना रोटेट करना है, इसको अगर 45 डिग्रीज रोटेट करना है तो मिरर को कितना रोटेट करना है, मिरर को कितना रोटेट करना है, कीपिंग द इंसिडेंट रे कांस्टेंट, इफ मिरर रोटेट्स बाय थीटा देन है ना, इफ मिरर रोटेट्स बाय थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा, समझ में आया ना, ठीक है, तो अगर मुझे यहां पे रिफ्लेक्टेड रे को, अगर मुझे यहां पे बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे को 45 डिग्रीज रोटेट करना है हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए, तो मिरर को कितना रोटेट करना है, थीटा बाय 2, 22.5 डिग्रीज है ना, 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 थीटा है ना, सो थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्रीज, सो मिरर को मुझे 22.5 डिग्रीज रोटेट करना पड़ेगा है ना, दिस इज एंगल मेड बाय M2, एंगल मेड बाय M2 विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, अब वही मिरर का समझ में आ रहा है ना बच्चों, सो बेसिकली दिस इज एंगल मेड बाय M2 विथ हॉरिजॉन्टल, समझ में आ रहा है, अब इज दैट क्लियर,
ये क्लियर है? यस सर। वेरी गुड देन, ठीक है ना, बढ़िया मेथड है ना, ठीक है ना। हाँ, अगर मिरर को दूसरे साइड पे रोटेट करें तो ये भी हो सकता है। तो मिरर को दूसरे साइड पे रोटेट करने के लिए पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको कितना रोटेट करना पड़ रहा है? 135। समझ में आया ना, मिरर को दूसरे साइड पे रोटेट करने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को कितना रोटेट करना पड़ेगा? रिफ्लेक्टेड रे पूरा उस तरफ ओरिजिनल हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे जब उस तरफ पूरा ओरिजिनल हो रहा है, मान लो रिफ्लेक्टेड रे पहले ऐसे था, जब ऐसे हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे का टोटल रोटेशन कितना हो रहा है? ये तो पहले 48 था पहले ऑलरेडी, प्लस ये और 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये अगर 180 प्लस 45 कितना हुआ? 225 डिग्री, 225 डिग्री रोटेट हुआ, ठीक है ना। तो फिर मिरर का रोटेशन कितना होगा, थीटा कितना होगा? ये हो गया 2 थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा? 112.5 डिग्री। तो मिरर को यहां से 112.5 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 112.5 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा मतलब वो अभी ये ना मिरर जो है ना अभी उस तरफ से 22.5 डिग्री बनाएगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, अभी ये मिरर है ना, अभी यहां से है ना मिरर बनाएगा 22.5 डिग्री। ओरिजिनल के साथ समझ में आया? ठीक है ना, ठीक है। तो है ना, तो मतलब एनीवेज वो 22.5 डिग्री बनाएगा, लेकिन रोटेट करना पड़ेगा उसको 112.5 डिग्री अगर दूसरे तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर? बच्चों इतना सबको समझ में आ गया ना, ये क्लियर है? तो ये अगर क्लियर है तो